दोस्तों, क्या दुनिया में भूत होते हैं? क्या दोस्तों भूतों से आपको डर लगती है? आखिर भूत क्या होते हैं? दोस्तों, आज इस एपिसोड में, इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिस जानकारी को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, भूत होते हैं। शिमला की टनल 33 क्या सच में भूतिया है? आखिर भूत क्या होते हैं? वो कौन सी जगह है जहाँ पर आपको सच में भूत दिखाई देता है? कालका से शिमला की कुल दूरी रेल लाइन के माध्यम से अगर देखी जाए तो कुल 96 किलोमीटर है। इसी रेलवे लाइन को बनाने के लिए कुल 103 सुरंगों का निर्माण किया गया था। ये रेलवे 1903 में बनकर तैयार हुई थी और इसे 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, आपको बताऊं तो आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानने को और देखने को मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। दोस्तों, आप चौंक जाएंगे इस तरीके की जानकारी को देखकर और सुनकर। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सुरंग संख्या 33 की। दोस्तों, सुरंग संख्या 33 क्या है? इस सुरंग का नाम बड़ोग सुरंग है। इसके बनने की कहानी कुल दिलचस्प और दुखदायी भी है। बड़ोग सुरंग कालका से 41 किलोमीटर दूर है। इस सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी अंग्रेजों के इंजीनियर कर्नल बड़ोग को दी गई थी। उन्होंने सुरंग बनाने से पहले पहाड़ी का अच्छे से मुआयना किया, दोनों तरफ से खुदाई शुरू करवा दी। उसके अनुसार सुरंग बीच में ही आकर मिल जानी थी, पर ऐसा नहीं हुआ। दोनों छोर के दूसरे से ना मिल पाने की वजह क्या है, ये आपको चौंका देगी। जब अंग्रेजी सरकार को इसका पता चला तो उन्होंने कर्नल बड़ोग को डांट लगाई और उन पर 1 रुपये का जुर्माना लगा दिया। ये बात कर्नल बड़ोग को बहुत बुरी लगी। एक दिन कर्नल बड़ोग सुबह घूमने के बहाने निकलते हैं और सुरंग के पास जाकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, आत्महत्या करने का क्या सवाल है इसमें? आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। इसके बाद इस सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी HS हैलिंगटन को सौंपी गई। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी ब्रिटिश अधिकारी HS हैलिंगटन को सौंपी गई, लेकिन उन्हें भी काफ़ी दिक्कतें आईं। बाद में बाबा हल्कू जी ने इस सुरंग को बनाने में हैलिंगटन की सहायता की और इस सुरंग का कर्नल बड़ोग से ही रखा गया। बाबा हल्कू ने ही आगे आने वाली सुरंगों का मुआयना किया था। अब फिर से बात करते हैं सुरंग संख्या 33 की, जो आज भी इस सुरंग में कुछ विचित्र आवाज़ें यानी कि भूतिया आवाज़ें सुनी जाने का दावा किया जाता है। कुछ लोग कर्नल बड़ोग को भी देखने का दावा कर चुके हैं। हालांकि जो कर्नल बड़ोग ने सुरंग का काम करवाया था वो अभी बाली सुरंग से 1 किलोमीटर दूर है। फिर कुछ अप्रिय घटना यहाँ आए दिन होती रहती है। इस सुरंग की खासियत ये है कि 1133 मीटर लंबी ये सुरंग विश्व की सबसे सीधी सुरंग है। बड़ोग का रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों की जानकारी अगर मैं आपको बताऊं तो रियल में भूत होते हैं। अगर हम बात करते हैं उस चीज़ की जहां पर आपको सीधे तौर पर इस चीज़ को देखने को मिलेगा, वहां की जो भी निवासी हैं वो लोग यहां पर जाने से डरते हैं। दोस्तों, आपको बताऊं तो इस सुरंग की खासियत ये है कि बिल्कुल सीधी सुरंग है। 1143 मीटर लंबी ये सुरंग विश्व की सबसे सीधी सुरंग है। इस सुरंग के नज़दीक का जो रेलवे स्टेशन है वो बड़ोग का रेलवे स्टेशन है, जो शिमला में पड़ता है। शिमला की टनल 33 का सच आप जानकर हैरान हो गए होंगे। अगर आप इन सभी चीज़ों की जानकारी मेरे इस चैनल के माध्यम से लेना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।